दोस्तों इस वीडियो में हम उन सारे सवालों का जवाब देंगे जो एसएससी जीडी से रिलेटिव हर स्टूडेंट के मन में है कि अभी उनको लगता है कि अभी तक हमारा मेडिकल है वो हुआ नहीं है, उसका कोई नोटिस नहीं है, तो हमारा मेडिकल है वो कब तक होगा। जैसे जो क्वेश्चन है हम आपको बताने वाले हैं कि जो आपकी एसएससी जीडी की जो जॉइनिंग है वो कब तक मिलेगी, आपका जो मेडिकल है वह कब तक हो पाएगा, और क्या एसएससी जीडी में न्यू वैकेंसी है या नहीं, और नई वैकेंसी है तो वह कब से स्टार्ट होने वाली है। तो आप हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक बने रहिए, हम आपको कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। तो हम शुरू करते हैं आपके लिए कि जो एसएससी जीडी का वो मेडिकल है वह कब से शुरू होगा। तो एसएससी जीडी का मेडिकल भी दोस्तों जैसे फिजिकल का कोई पहले नोटिफिकेशन नहीं आया था कि कब से कब तक स्टार्ट होगा, सीधा ही आपके एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए और आपको बता दिया गया कि एडमिट कार्ड फिजिकल कब से है। उसी प्रकार से आपका जो मेडिकल होगा तो उसके लिए जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट किए गए हैं उनका सीधा जो शॉर्ट लिस्टेड का रिजल्ट आएगा और आपकी जो लिस्ट आ जाएगी तभी आपके एडमिट कार्ड हैं वो डल जाएंगे। और आपको लगता है कि पता नहीं मेडिकल कब तक होगा, तो ऐसा ज़्यादा डिले होने वाला नहीं है। आपका जो मेडिकल है वह अगस्त के लास्ट वीक या फिर सितंबर के स्टार्ट में ही आपका मेडिकल है वो हो जाएगा। और जो एसएससी जीडी का मेडिकल के बाद में जो फाइनल रिजल्ट आएगा तो वह आपको अक्टूबर तक देखने को मिल जाएगा, क्योंकि अक्टूबर में आपका जो फाइनल मेरिट आ जाएगा और लास्ट अक्टूबर या फिर नवंबर के स्टार्ट में ही आपको जॉइनिंग मिल जाएगी। क्योंकि जो एसएससी जीडी का रूल्स होता है कि नई भर्ती है ना वह जब ही आती हैं जब पिछली भर्ती को पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाए और जो स्टूडेंट सेलेक्ट हुए स्टूडेंटों को ट्रेनिंग सेंटर पर भेजती है, यानी कि बाद में ही नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी होता है और फॉर्म तभी से स्टार्ट होते हैं। तो हम आपको एसएससी जीडी का जो नोटिफिकेशन है उसको दिखाते हैं। ये एसएससी जीडी का एग्जाम कैलेंडर है जो 2022 से 2023 के बीच में है। तो इसमें दिया गया है प्रॉपर कि 10 दिसंबर 2022 से आपके जो एग्ज़ाम फॉर्म है वो फिल होंगे और 19 जनवरी 2023 तक चलेंगे। उसके बाद में जो आपका एग्ज़ाम है वो मार्च और अप्रैल 2023 में कंडक्ट करा लिया जाएगा। तो इस हिसाब से आपको जो 10 दिसंबर 2022 में जो भर्ती का नोटिफिकेशन आने वाला है न्यू भर्ती का, तो आपको लास्ट नवंबर तक आपको जॉइनिंग है वो 100% मिल जाएगी, ये बिल्कुल श्योर है। तो आप बस अपने मेडिकल पर ध्यान दीजिए, आपका मेडिकल की जो शॉर्ट लिस्टेड लिस्ट है वो कभी भी जारी हो सकती है और आपके सीधे एडमिट कार्ड आपको मिल जाएंगे मेडिकल के। तो आप अभी भी आप अपने जो मेडिकल में कोई प्रॉब्लम हो तो उसको आप चेक करा सकते हैं, अभी तो आपके पास टाइम भी है। और जिन स्टूडेंट का इस भर्ती में नहीं हुआ है तो उनके लिए अच्छे चांस है, वह अभी से अपनी तैयारी में लग जाइए, क्योंकि इस टाइम पे जो आपको पता है कि चुनाव भी होने वाला है अगला, तो इस बार जो वैकेंसी है वह खूब आने वाली हैं। आपको पहले पता हुआ कि पहले बता रहे थे कि भर्ती है वो 40,000 आएंगी, 50,000 प्लस आएंगी, ऐसे पर ऐसा कुछ नहीं हुआ था, पर जो भर्ती हैं जो वैकेंसी इस बार है वो ज़्यादा आने वाली है। अभी फिक्स तो नहीं है कितनी आएंगी, पर आप अपनी तैयारी पर लग जाइए जिससे आपको भी मौका मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल पर सब्सक्राइब करें, आपको भर्ती से रिलेटिव हर इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद दोस्तों।